जिला मुख्यालय ऊना के पीर निगाह रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम और बार बार फाटक बंद होने से लोगों को पेश आ रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाए जाने या ओवरब्रिज की संभावनाएं तलाश करना शुरू कर दिया गया है। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने विभागीय अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन से विभिन्न राज्यों के लिए करीब 6 ट्रेनें चल रही हैं, जिसके चलते इस रेलवे क्रॉसिंग पर दिन भर में करीब 2 घंटे फाटक बंद रहने से वाहन चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ही समय पूर्व इस रोड को नेशनल हाईवे के रूप में भी अपग्रेड कर दिया गया है, जिसका संपर्क हमीरपुर के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इस सड़क पर जिला का प्रस्तावित PGI सैटेलाइट सेंटर भी है, जिसके चलते आने वाले समय में ट्रेन सेवाओं की वृद्धि से लोगों का इस रोड से गुजरना या PGI सैटेलाइट सेंटर तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। लोगों की इसी मुश्किल को हल करने के लिए मलाहत रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवरब्रिज की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि करीब 1 सप्ताह तक इसका सर्वे हो जाएगा। वहीं 1 से 1.5 माह के बीच इसकी DPR भी तैयार हो जाएगी, जिसके बाद रेलवे के अधिकारी अंडरपास या ओवरब्रिज को मूर्त रूप दे देंगे। इस दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने PGI सैटेलाइट सेंटर साइट की बाउंड्री वॉल के निर्माण का भी निरीक्षण किया। ये जो हमारा फाटक है उन्ना में मलाहत रोड के ऊपर, इस फाटक में दिन के समय जब ट्रेन निकलती हैं तो बंद होता है, 6 बार बंद होता है, क्योंकि 6 ट्रेनें जहाँ से निकलती हैं 15-15 मिनट लगा लें तो भी लगभग 1.5-2 घंटे जो बंद रहता है पूरे 24 घंटे के अंदर, एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है। और PGI सैटेलाइट हॉस्पिटल भी इसी रोड के ऊपर बन रहा है, ऊना पीनगा रोड के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रेलवे से हम लोगों ने निवेदन किया था कि जहाँ अंडरपास बनाया जाए या ओवरब्रिज जहाँ पर बनाया जाए, फ्लाईओवर जहाँ पर बनाया जाए, तो उस अंडरपास के सर्वे के लिए और फ्लाईओवर के सर्वे के लिए जिंदल एसोसिएट्स कंपनी के नाम से लोग आए हुए हैं, आज सर्वा कर रहे हैं। तो इसलिए हम मौके के ऊपर आए थे कि उनसे बातचीत करके अभी जो जानकारी मिली है, 4-5 दिन वो सर्वा करेंगे, उसके बाद 1 महीने के अंदर अपनी DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो जमा करवाएंगे। जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा हो जाएगी तो रेलवे की एक औपचारिकता रहती है, उनकी रेलवे बोर्ड की कमेटी में उसका NOC मिलता है। NOC के बाद फिर हम लोग रेलवे विभाग से मिलेंगे, अपने जहाँ के MP अनुराग ठाकुर जी से बातचीत करेंगे ताकि केंद्र से वो पैसा दिला दे ताकि फ्लाईओवर या अंडरपास जो भी है वो उसमें पास हो जाए और आने वाले समय में बन करके तैयार हो जाए, ताकि ये रोड हर समय चलता रहे, ट्रेन आए और ट्रेन निकल जाए, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।